हेलो दोस्तों, युवाओं, देश के धड़कनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू रिवाइज, रिवीजन कैसे करें, आप अपने नोटबुक का रिवीजन कैसे करें, कितने समय के पश्चात करें, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, युवाओं एवं देश के धड़कनों, प्रायः देखा जाता है कि टीचर हम लोगों को बताते नहीं है कि किस तरह का रिवीजन करें, रिवीजन करने के कितने उपाय हैं, कौन से उपाय अच्छा है, कौन सा उपाय खराब है। लेकिन वो टीचर हमेशा आपको होमवर्क दे देंगे, कुछ मैटर दे देंगे, याद करो, यही एग्जाम में आएगा, याद करो, याद करो, याद करो। प्रश्न उठता है, क्वेश्चन ये है कि आप याद कैसे करें, रिवीजन कितने समय के बाद करें, कैसे करें। दोस्तों, मुझे याद है हम लोगों को याद कराने के लिए टीचर बोलते थे एक ही चीज को बार 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 लिखते रहो, एक बार लिखो, दो बार लिखो, दस बार लिखो, वो याद हो जाएगा। अब कोई मैटर बहुत लंबा है तो लोग कितना बार उसको लिख लिख के याद करेगा, यह बड़ा ही शोचनीय प्रश्न है। दूसरा, लोग डरा के याद करने के लिए बच्चों को बोलते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं। मुझे याद है एक टीचर पीट पीट कर याद करने के लिए बोलते थे। आने का उनका तरीका था, वो बार बार हमारे हाथों पर इस तरह के मार मार कर याद कराने के लिए बोलते थे, नहीं भूलने की दवा। दोस्तों, वो नहीं भूलने की दवा जो लोग खाता था, वो या तो पूरी रात रोते रहता था या स्कूल छोड़ के भाग जाता था। वो सही तरीके से याद करने के बारे में नहीं बताते थे और जो दवा देते थे ये दो उंगली के बीच में ये रेनॉल्ड्स पेन दवा के ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। बहुत जोर से दर्द होती थी, जब तक बोल नहीं देते थे कि सर याद हो गया है, याद कर लेंगे, तब तक ये नहीं भूलने की दवा वो देते थे। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे टीचर पहले अपने टेबल पे लंबी लंबी मोटी मोटी छड़ी रख के लोगों को डरा कर धमका कर याद करने के लिए हम लोगों को मजबूर करते थे। एक ऐसा भी टीचर थे जो मात्र दो छड़ी मारते थे, लेकिन उसके डर से बहुत सारे लोग अपना पढ़ाई छोड़ दिए, स्कूल जाना छोड़ दिए। उस टीचर के डर से लोग स्कूल जाने से डरते थे। क्या यही रिवीजन करने का तरीका बताया गया है? टीचर सही से बता नहीं पाते थे। अभी समय है, कोई टीचर किसी भी छात्र को पिटाई नहीं कर रहा है, किसी भी छात्र को मैन हैंडलिंग नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप किस तरह से रिवीजन करते हैं। दोस्तों, आप कितना देर तक पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कब पढ़ते हैं, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि आप किस तरह याद करते हैं और कितना देर तक याद किया हुआ मैटर रखते हैं और एग्जाम में क्या रखते हैं और उस मैटर को अपने लाइफ में किस तरह हूबहू अपनाते हैं, यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, रिवीजन करने के जो इंटरवल टाइम और समय अंतराल जो बताया गया है वह पांच तरीके बताया गया है। इंटरवल के बाद यदि उसका रिवीजन करते हैं तो वह मैटर, वह चीजें आपका परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। जैसा कि जानते हैं, जो चीजें आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी वह चीजें हमेशा आपको याद रहेगी, वह मैटर आपको जीवन में अपनाने में काम आएगी, वह मैटर आपको एग्जाम में लिखने में सहायक। दोस्तों, ये जो फाइव रिवीजन का जो इंटरवल, फर्स्ट रिवीजन दोस्तों, जब कोई टीचर पढ़ता है या आप कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसका मात्र 70-80% आपको याद रहता है। यदि वह मैटर, वह सब्जेक्ट, वह विषय वस्तु आप विद इन 10 मिनट्स उसका रिवीजन करते हैं, ओनली 10 मिनट्स के पश्चात आप उसका रिवीजन करते हैं, तो वह पूरा का पूरा मैटर आपको 100% याद रह जाए। यदि आप 10 मिनट्स के अंदर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उस सब्जेक्ट का मात्र 70-80% ही मैटर याद रहेगा। सेकेंड रिवीजन, दोस्तों, सेकेंड रिवीजन है 24 घंटे के अंदर करने का है। यदि जो व्यक्ति कोई भी मैटर पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई भी विषय वस्तु पढ़ता है, यदि वह 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर याद नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, तो उसका मात्र 80%
लोगों को याद रहता है। यदि आप विदिन 24 घंटे के अंदर आप उस विषय वस्तु को पढ़ लेते हैं, दोबारा रिविजन कर लेते हैं, तो वह 100% आपको याद रहेगा। दोस्तों थर्ड रिविजन है विदिन 7 days। आप यदि 1 week के पहले 7 दिन के अंदर आप उस विषय वस्तु को रिविजन करते हैं, तो वह पुनः आपको 100% याद रहता है। यदि आप 7 days के अंतर्गत आप उस विषय वस्तु को याद नहीं करते हैं, तो आपको मात्र 75% ही याद रहेगा। दोस्तों यदि आप 100% याद करना चाह रहे हैं, उस विषय वस्तु को आप अपने मन में रखना चाह रहे हैं, तो आपको उसका रिविजन विदिन 7 days करने की जरूरत है। दोस्तों थर्ड रिविजन जो है वह है विदिन 1 month। जो व्यक्ति, जो छात्र, जो स्टूडेंट किसी वस्तु को, किसी विषय वस्तु को, किसी मैटर को याद करना चाहता है, यदि वह 1 month के अंदर उस विषय वस्तु को, उस मैटर को याद नहीं कर पाता है, तो मात्र उसका 60% ही याद रहता है। दोस्तों यदि आप 1 महीने के अंदर उस विषय वस्तु को पुनः रिविजन करते हैं, पुनः याद कर लेते हैं, पुनः उसको एक बार देख लेते हैं, तो आपको वह फिर 100% याद रहेगा। दोस्तों जो 5th revision का टाइमिंग दिया गया है, वो 5th revision का टाइमिंग दिया गया है 6 month। विदिन 6 month आप किसी मैटर को याद करते हैं, तभी जाकर वह मैटर आपको परमानेंट मेमोरी में 100% रहता है। यदि आप उस मैटर को, कोई भी मैटर जो आपने पढ़ा है, यदि 6 month तक आप उसको एक बार भी रिविजन नहीं करते हैं, तो दोस्तों उसका कोई भी पार्ट आपको याद नहीं रहेगा। एक दो बातें, मुख्य बातें आपको याद रहेगी, लेकिन वह पूरा मैटर आप पूरी तरह से भूल जाएंगे। दोस्तों यदि आप किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने वाले किसी भी चीज को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने गोल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उस गोल को, आप उस मैटर को, उस विषय वस्तु को यदि आप विद इन 10 minutes, उसके पश्चात विद इन 24 hours, उसके पश्चात 7 days एंड 1 month, देन आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, वह आपके जीवन में हूबहू उतर आ पाएगा, जिसके पश्चात आप एग्जाम में, अपने जीवन में और इस संसार में आराम से उस विषय वस्तु पर आप मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप यह 5 बताए गए रिवीजन का तरीका आप सही इंटरवल के बाद अपनाते हैं, तो आपको वह विषय वस्तु 100% याद रहेगा। दोस्तों यदि यह तरीका डायनामिक स्टडी के द्वारा बताया गया है। दोस्तों एक बात और, मेरा मेगा सेमिनार सफलता की पाठशाला समस्तीपुर में 29th मार्च 2020 को आयोजित है। आप आए और बहुत सारी ऐसी ही विषय वस्तु के साथ अपना नॉलेज बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।